चार दोस्त एक रात को पार्टी कर रहे थे। शराब की बोतलें एक के बाद एक खाली हो रही थी और चारों दोस्त पूरी तरीके से नशे में डूबे हुए थे। कमरे में सिर्फ कार्ड्स की और ठहाकों की आवाज गूंज रही थी। अजीत, विशाल, रोहन और दीपक, ये चारों कॉलेज के समय से ही गहरे दोस्त थे और इस पार्टी के लिए हफ्तों से तैयारी कर रहे थे। रात के करीबन एक बज रहे थे। कमरे की खिड़की पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें टपक रही थी और चारों दोस्त कार्ड खेलते हुए आपस में मजाक कर रहे थे। तभी अजीत ने अचानक मजाक में कहा, चलो किसी भूतिया कहानी की बात करते हैं। विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे यार इस वक्त ऐसी बातें मत कर यार, पहले से ही बाहर का मौसम इतना डरावना लग रहा है। पर अजीत नहीं रुका, उसने कहा, अरे तुम लोग को पता है ये जहां हम जा रहे हैं ना, ये पहले एक पुराना श्मशान था। सुना है यहाँ रात को अजीब अजीब चीजें होती हैं। सब पहले तो हंसने लगे, पर दीपक जो अब तक चुपचाप सुन रहा था धीरे से बोला, यार देखो तुम लोग मानो या ना मानो, पर मैंने यहाँ कुछ अजीब चीजें तो देखी हैं। उसकी बात सुनकर सब थोड़े सतर्क हो गए। रोहन ने हंसते हुए पूछा, क्या देख लिया भाई? दीपक जरा सा सीरियस था, उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, यार दो हफ्ते पहले ना जब मैं देर रात को घर आया तो मैंने देखा कि घर के सामने वाली गली में कोई खड़ा था। पहले मुझे ऐसा लगा कि कोई आदमी है, पर जैसे मैंने गौर से देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला सा था, और जब मैंने उसके पास जाने की कोशिश की तो वो पता नहीं कहाँ एक अचानक से गायब हो गया। अचानक कमरे में खामोशी छा गई। सभी दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बाहर से अचानक हवा का एक तेज झोंका खिड़की से आकर पर्दों को जोर से हिलाने लगा। विशाल ने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की, अरे यार तुम लोग ये बकवास की बातें क्यों कर रहे हो, भूत भूत कुछ नहीं होते। पर तभी कमरे की लाइट अचानक से बंद हो गई। सब सन्न रह गए। दीपक ने घबराते हुए कहा, मैंने कहा था ना ये जगह ठीक नहीं है। कुछ सेकंड तक सब चुप बैठे रहे। फिर अजीत ने कहा, यार तुम लोग रुको मैं थोड़ा देख के आता हूँ, शायद बाहर फ्यूज उड़ गया होगा, देखना पड़ेगा, रुक जाओ। वो जैसे ही उठा एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर आकर लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके गर्दन के पास से फुसफुसाकर कुछ कहा हो। अजीत ने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने डरी हुई आवाज में कहा, तुम लोग ने कुछ सुना क्या? कि बस मुझे अकेले को ही सुनाई दिया ये? सबने एक साथ हाँ में सिर हिलाया। अब चारों दोस्त पूरी तरह से डर गए थे। रोहन ने कहा, भाई तुम लोग मानो या ना मानो पर हमें यहां से निकलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही है, ठीक है? लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से किसी ने खटखटाया। सबके सब सहम गए। दीपक ने कांपते हुए पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं आया। खटखटाने की आवाज और तेज हो गई। विशाल ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला बाहर कुछ नहीं था, खाली घना अंधेरा था। तभी कमरे के कोने से एक हल्की सी सिसकने की आवाज आई। सभी ने उस ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। पर वो आवाज लगातार आ रही थी, मानो कोई रो रहा हो। चारों दोस्त ठिठक कर वहीं रुक गए। दीपक ने फिर से कांपते हुए कहा, ये कौन है? हमसे क्या चाहते हो भाई तुम? अचानक रोशनी वापस आ गई, लेकिन नजारा बेहद डरावना था। दीवारों पर खून से बड़े बड़े अजीबोगरीब निशान उभर आए थे, मानो किसी ने अपने नुकीले नाखूनों से उन्हें खुरचा हो। चारों दोस्त हक्के बक्के रह गए। उनकी सांसें अब तेज हो चुकी थी और घबराहट उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी।
अजीत ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा। हाँ, हमें यहां से निकलना चाहिए। यहां से निकलो यार, यहां कुछ ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। किसी ने बाहर से ताला जड़ दिया हो ऐसा लग रहा था। तभी कमरे के कोने में किसी के पैर घसीटने की आवाज आई। चारों ने जैसे ही उस ओर देखा तो वहां एक बड़ी सी परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। विशाल ने जोर से चिल्लाते हुए दरवाजे पर लात मारी, लेकिन दरवाजा किसी पत्थर की तरह अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। रोहन ने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन खिड़की के बाहर का नजारा बिल्कुल ही बदल चुका था। बाहर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। कोई रास्ता, कोई पेड़, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मानो वो अब किसी और ही दुनिया में आ चुके हों ऐसा लग रहा था। दीपक की आंखें फटी रह गई जब उसने देखा कि कमरे के फर्श से खून की पतली धारे रेंगती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। उन धारों में से किसी की उंगलियां निकलने लगी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की हो। अजीत ने रोते हुए कहा, ये क्या हो रहा है, हमें छोड़ दो, छोड़ दो हमें। तभी कमरे के बीचों बीच जमीन फट गई और एक काली परछाई बाहर निकली। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि देखने मात्र से ही चारों के शरीर जम गए। कि तभी उसकी गहरी गूंजती हुई आवाज आई, तुम लोगों ने बुलाया है मुझे, अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो परछाई एक एक करके उनके पास आई और जैसे ही उसने अजीत को छुआ उसका जिस्म नीला पड़ गया। उसकी आंखों से खून टपकने लगा और वो चीखते चीखते नीचे गिर पड़ा। विशाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगे शरीर से अलग होकर फर्श पर गिर पड़ी और वो दर्द से तड़पने लगा। दीपक ने भगवान से प्रार्थना की, पर उसकी आवाज जैसे हवा में घुल गई हो। वो काली परछाई उसकी ओर बढ़ी और उसकी आंखों के अंदर घुस गई। दीपक की चीख पूरे कमरे में गूंजने लगी और फिर एकदम से शांति हो गई। अंत में कमरे में सिर्फ रोहन बचा था, जो कोने में दुबका बैठा कांप रहा था। उसकी सांसें घुट रही थी। तभी वो काली परछाई उसके पास आई और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह जब वहां पर पुलिस आई तो कमरा पूरी तरह से खाली था। चारों दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं मिला, सिर्फ दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, वो हमें ले गया। कोई भी नहीं जान पाया कि उस रात आखिर हुआ क्या था, लेकिन उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और चारों दोस्त कभी वापस नहीं लौट पाए। और आप सुन रहे थे मौत के बाद।